ईफिल टावर। चेहरा तो देखो फोटोशॉप किया हुआ है लाइक बाल देखो इसके, बाइक देखो हीरो की, और देखो तो देख कहाँ रहा है लाइक हे रितु याओ इससे चैट करती हूँ। हे स्वीटी कैसी हो? साथ में आसमान पर हो? अच्छा अच्छा, अपनी खुशी का राज तो बताओ हमें। प्यार हो गया है, कौन है वो? वही क्या जिससे कल पहली बार वेब कैम पर बात हुई थी? तो बात आई लव यू तक पहुँच ही गई। बहुत तेज निकली तुम तो। और क्या उसे पकड़ना जो था, वो बहुत हैंडसम है। आई एम इन लव। तू अपना बता ना। मेरा वाला बहुत अकड़ू है। एक हफ्ता चैट करने के बाद कल प्रपोज किया। अच्छा ठीक है, फोटो तो दिखा दिखा दिखा। नहीं पहले तुम। ओहो दिखा ना निशी। बिल्कुल नहीं। ओके ओके तो एक काम करते हैं, दोनों एक साथ फोटो भेजते हैं। ओके गुड आइडिया, यू रेडी? 3, 2, 1 अपलोड। यस अरे यार नहीं नहीं यस आई एम द बेस्ट। मुझसे कोई नहीं जीत सकता। मैं बस जीतने ही वाला था कि तूने आकर मार दिया। ए, इस बार तो जीत गया, अगली बार हरा के रहूंगा निकी। अबे चुप करो चूहो। जाबे किस्मत की बात है। जाबे किस्मत की बात कर रहा है, हो जाए अगला गेम बेबे। हाँ हो जाए। छी 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 छी, पता नहीं है सब क्या करते हैं, पूरा दिन चिल्लाते रहते हैं, बस 2400 घंटे मारपीट मारपीट। पकड़ लिया। क्या है ये गेम वेम? बहुत बढ़िया। मार दिया और जीत गए। It was a good throw. सारे हमारा दोस्तों को लगा रखा है, ये कैसी गेम हुई? पूरे एक हफ्ते से यही सब चल रहा है। अब सुनाई देंगी तेरी चीखें। No, 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 come on, baby, slash. गलती हमारी है जो हमने छूट दे दी और कहा बेटा जो दिल में आए करो। नौकरी करता काम के लिए बाहर जाता, कम से कम चिल्लाता तो नहीं। ये तो है, 6 महीने में 4 नौकरियां, ऑफिस में बैठकर गेम खेलेगा तो कौन रखेगा? क्यों इतना पागल हो गया है इंटरनेट के गेम के लिए? सोशल नेटवर्क की जानकारी जरूरी है। उसके बारे में बहुत कुछ पता चला है, उसने फेसबुक से अनफ्रेंड कर दिया। मैं भी कम नहीं था, ट्विटर पे फॉलो किया। उसकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, जिसे देखकर बहुत से लोगों ने उसे लाइक भी किया है। हाँ उससे कहो लड़की भी ऑनलाइन ढूंढ ले। अच्छा है ना, खर्चा बचेगा, स्काइप पे शादी कर लेंगे। क्या अब बताओ कौन है बॉस? इस झमेले की जड़ ये डिब्बा है, इसकी तो। ये क्या कर रही हो? शांति 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 शांति। अब देखती हूँ कैसे खेलता है, चलिए। चांस ही नहीं है। ये क्या? अब डेटा कार्ड से खेल रहा है। अरे उसे इंटरनेट कनेक्शन किसने दिया? टेक्नोलॉजी के बारे में तुम क्या जानो? आइडिया, मैं हूं ना। निक्की बेटा तुम बाहर जाकर दोस्तों के साथ बियर पी लो ना। टाइम वेस्ट है, ट्रैफिक पोल्यूशन। पापा जब सारे दोस्त फेसबुक पर ही मिल जाते हैं तो बाहर जाके करना क्या है? फेसबुक की वॉल को छोड़ ही दो और घर की वॉल को तो देखो जरा कैसे फेस लगे। देखो तो, देखो तो। अरे बापरे, अरे पीछे हटिए। सत्या, अरे सत्या रुक जाओ, अरे रुक जाओ ना। हे भगवान, अरे सत्या। मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था तो आपके लैपटॉप पे खेल रहा था, आपने अपना ही लैपटॉप तोड़ दिया पापा। सत्या, रोज रोज का सिर दर्द है ये।
क्या माँ, एक्टिंग आती नहीं है तो करते क्यों? एक्टिंग कोर्स ज्वाइन कर लो। चलो एक्टिंग क्लास ज्वाइन करते हैं। निक्की बात सुन बेटा, माना गेम खेलने में मजा आता है पर ये बुरी आदत है, थोड़ी देर बाहर घूमा। I'm busy, mom. सुन, इस कमरे से बाहर निकल, जिंदगी जी। असल जिंदगी बहुत बोरिंग है माँ, हर वक्त एक ही काम, खाना सोना, वही लोग। पापा आपके लिए जीते हैं और आप पापा के लिए। यहाँ देखिए, एक पल में पूरी दुनिया बदल जाती है, हर सेकंड का अपना मजा है। और असल जिंदगी में ये मजा, ये चैलेंज कहाँ है मॉम? निक्की आप ये सारी चीजें नहीं समझेंगी मॉम, जाने दो। Yeah! इस गेम में जिन्होंने बंदूकें उठाई हैं, हथियार उठाए हैं, ये तेरे दोस्त हैं क्या? असली दोस्त नहीं है तेरे? अच्छा आपके कितने दोस्त हैं पापा? चार, चार हैं, मेरे लिए जान दे सकते हैं, समझा तू? मेरे देखिए 1844 फ्रेंड्स। जब कभी मुसीबत में होगा ना, इनमें से कोई मदद करने नहीं आएगा तेरी। ठीक है, अच्छा चल, ये देख, चाचा जी ने तेरे लिए ये फोटोज भेजी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सीधा शादी का फैसला कर ले, बस देख ले एक बार। देखना। ये देखो मॉम, कितनी सारी लड़कियां मरती हैं मुझ पर, ये देखो दौड़ी चली आएंगी, बस हाँ करने की देर है, पूरी पागल हो चुकी है मेरे पीछे। मॉम मुझे शादी के चक्कर में मत फंसाओ, मैं ऐसे ही अकेला खुश हूं। बेटा अपनी माँ के सामने ऐसी बातें तो मत कर। आप और आपका ये इमोशनल ड्रामा, जाओ ना मॉम। रो मत रे तू, वो अब हीरो से जीरो बनेगा, रुक। मैं उसकी फोटो हमारी फ्रेंड लिस्ट में सबको भेज रही हूँ। गेम ओवर। ये है, ये निक्की, ये कमीना हम सबको धोखा दे रहा था। सामने आएगा ना तो दुनिया से डिलीट कर दूंगी। इसका सिस्टम क्रैश कर दे, ऐसी कोई लड़की नहीं है क्या? Bye mom, bye dad. Bye mama. Best of luck बेटा। तुम तो कह रही थी आज कोई बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है, तो उसके लिए आज कार क्यों नहीं ले जाती? कार है तो इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ाना शुरू कर दे। मैडम आप आ गए, देखिए ना मैडम, सिर्फ 2 रुपए मिले। ये क्या मैडम? आप किसी जादूगरनी से कम नहीं है मैडम। बुद्ध की मूर्ति और एक पुराना किला, भीड़ भाड़ वाली सड़क, चट्टाने और पहाड़, किसने डिजाइन किया ये? तुमने किया है ना? मुझे पता था। क्या है ये? कैरेक्टर देखो, ये जगह देखो, क्या बकवास है ये? क्या करूं मैं इसका? अरे गेम डिजाइनर्स हो तुम, फोन के कोई डूडल डिजाइनर्स नहीं हो। सर ये रियल टाइम गेम है, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं जो लोग, उन्हें असली दुनिया दिखाने का एक नया और एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है। बस करो, असल दुनिया बकवास, तुम्हारी रियल लाइफ की स्टोरीज किसे चाहिए? कल्पना, रोमांच, साईफाई, वॉर्स, आजकल के यूथ को यही चाहिए। कंचे खेलने की तरह नहीं है ये कंप्यूटर गेम्स, ब्लड खून बहना चाहिए।
ब्लड? एक्साइटमेंट मतलब खून खराबा मार झाड़ी होती है क्या? उन्हें अब इसकी लत लग गई है, उन्हें बाहर की दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो क्यों ना हम उन्हें बाहर की दुनिया की तरफ आकर्षित करें। ये एकदम नया गेम है सर, गेम के साथ मैसेज भी है। मैसेज भेजना है तो मोबाइल से भेजो, ऐसी स्टूपिड गेम्स नहीं चलेगी यहाँ। अगर कल नेशनल गेम्स कंपटीशन में ये भेजेंगे तो एंट्री भी नहीं मिलेगी, समझी तुम? गुड, थैंक यू सर। दिस इज गुड, पर ये पंजे थोड़े यहां तक बढ़ा दो इसके। ओके। पंजे ऐसे सरसराते हुए बाहर तक आने चाहिए, गेम खेलते खेलते पैंट गिली हो जाए। ओके। इन दोनों हथियारों को जोड़ने पर नया हथियार बनना चाहिए। अगर गेम खेलने वाले प्लेयर पर हम पीछे से आकर वार करें और उससे मार डालें तो उसकी हड्डियां चूर चूर होनी चाहिए। 11th नेशनल गेम कॉम्पिटिशन में हम यही गेम भेजेंगे, हमारी गेम ही जीतनी चाहिए। ऑल राइट सर। आज से तुम डिजाइन डिपार्टमेंट के हेड हो। रैग्स। यस सर। ऑफिस में आकर मिलो मुझसे। हे रैग्स, क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। तुमने अपना एड्रेस क्या बताया था? मैंने कब बताया तुम्हें? तो अब बता दो, मैं शाम को पिक कर लूंगा तुम्हें। बाहर जाओगी थोड़ा अच्छा लगेगा, फ्रेश हो जाओगी। अपना फोन नंबर नहीं देती हो, ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी इग्नोर कर देती हो, कम से कम अपना एड्रेस तो दो तो मैं सीधा आकर तुम्हें पिक कर सकता हूँ। मतलब मैं जो भी कहूंगी तुम सब करोगे? श्योर। ब्लड, खून बहना चाहिए, बहना चाहिए। हाँ, और तुम्हें? वाओ, मी टू। मुझे तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा, वीडियो ऑन करो ना प्लीज। एक मिनट रुको। देखो तुम्हारी स्माइल पर मैं फिदा हो गया। यू आर सो इनोसेंट। तुम्हें देखते ही मेरी सारी इनोसेंस खत्म हो गई। मुझे थोड़ा सा और दिखाओ। आई वॉन्ट टू सी हाउ ब्यूटिफुल यू आर। कम ऑन प्लीज प्लीज। तुम्हारी गिफ्ट में दी हुई ये डॉल बहुत क्यूट है, थैंक यू। ये क्या, तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं, भरोसा है मुझे। अच्छा तो कब मिलोगी? नेक्स्ट फ्राइडे मिल सकती हो? बाय माय लव। बाय, सी यू। हे, वेलकम लूजर्स। पहले पैसे निकालो, चलो। गिव इट टू मी बेबी। लगातार एक हफ्ता खेला, 10,000 हार गया, टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद। खुद यहाँ बैठा है, आंटी बाहर है। देख लूंगा देख लूंगा, अगली शर्त में देख लूंगा तुझे। ऐसे आ रहा तो क्या हुआ, ऑनलाइन एक कमाल की लड़की मिली है। स्वीट गर्ल, स्वीट नेम, बहुत मस्त है यार। तेरी कहानी में लड़की सीन ही क्यों, पूरी फिल्म दिखाता तुझे। आजा आजा। हाँ चल। हाय बेबी। हाय बेबी। सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, कहाँ हो तुम? नहा रही हूँ मेरी जान। कुछ सरप्राइज है क्या? मुझे शर्म आ रही है। कमॉन कमॉन, मुझसे कैसी शर्म बेबी? Oh, you're hot, baby. You're hot.
यार मुझे ही कोई लड़की क्यों नहीं मिलती है। ओ, ये है लव गुरु निखिल आनंद स्वामी। तू कैसे लड़कियां पटाता है यार? स्टाइल, लुक्स, पैसा, लड़कियों को और क्या चाहिए यार। कुछ देर बस उनकी बकवास सुनते रहो, उनसे कहो कि तुम ही मेरी सोलमेट हो, बहुत आसान है यार। आओ मैं दिखाता हूँ। ये क्या है? चैट रूम मोटे, इससे तुम किसी भी लड़की से कनेक्ट हो सकते हो। सही है। हाय। मुझसे ये जॉब और नहीं होगा मामा। बेटा तुझे जॉब करने की जरूरत ही क्या है? तू अपने आइडिया से खुद बुलंदी तक पहुंच सकती है तो जॉब की क्या जरूरत? तू जो भी फैसला करेगी तेरा ये मामा तेरे साथ है। ऐसे हिम्मत मत हार मेरी बच्ची, ठीक है? क्या हुआ, उसने रिजाइन कर दिया? हाँ, अब क्या करें? ऑफिस रिकॉर्ड्स में उसका एड्रेस चेक किया? मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए बॉस, एड्रेस गलत है। गलत है तो उसने वेरिफिकेशन कैसे करवाया होगा? पता नहीं बॉस, मुझे लगा था मैं बेस्ट हैकर हूं। सुनो बॉस, ट्रेस कर, जरूरत पड़े तो हैक कर। ओके। 6 महीने नहीं हुए और उसने रिजाइन कर दिया। 6 महीने ज्यादा नहीं? निशी। हाँ, हाय। श्योर। हे रैग्स। रितु कब समझेगी कि क्या सही है और क्या गलत? ये इंटरनेट की दुनिया है यार, और यहाँ पे हम किसी भी चीज पे ऐसे ही ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर से शुरू। देख अब तो उसकी गलती मत निकाल, गलती तेरी है। अगर कोई हैंडसम लड़का तेरी तरफ जरा सा भी देख लेना तो तू पगला ही जाती है। देखो ये बातें हमारी समझ में नहीं आती। तू चल रितु, फोटोज एडिट करते हैं, प्रोफाइल अपडेट करनी है। हाँ, कूल। चलो। इसका क्या है, वैली है, बोलने दे से। हाँ। ये और इसका ज्ञान। दत्त मेरी अच्छी फोटोज अपलोड करना और मुझे ना थोड़ा और स्लिम बनाना, थोड़ा सा यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। फिगर एकदम परफेक्ट लगे। तो ये ले, हो गई तेरी पिक रेडी। एक मिनट मैं इसे अपलोड करती हूँ। हाँ करना, आ जा। तुम्हें किसी लड़के को सबक सिखाना था ना, इतनी जल्दी भूल गई? हाँ, बल्कि निकी को सबक तुम्हें सिखाना चाहिए। इंटरनेट पर तुम्हें सब तरह के लोग मिलेंगे, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम केयरफुल रहो। इसे छोड़, इसका तो यही काम है। हे, चल प्राइवेट फैशन शो करते हैं। जब देखो फैशन शो, इट्स बोरिंग। कुछ अलग करते हैं, म्यूजिक वीडियो बनाते हैं। ऑसम, चल बनाते हैं। ओके, अब बहुत हो गया, चलो अब उसे सबक सिखाते हैं। क्या मस्त लड़की है यार। यही है मस्त लड़की। इसे बात कर, बात करना। हमें इसने कूड़ा करकट समझ रखा है क्या? बात कर। मुझे नहीं लगता ये लड़की तेरे हाथ में आएगी। चुप कर बे, निकी है ये, लड़कियां खुद इसके पीछे आती है। अरे ऐसी लड़की नहीं, ऐरी गैरी लड़कियां आती होंगी। अबे खेल खेलना आना चाहिए, कोई भी लड़की फंस जाएगी, लेकिन तुझे क्या पता, लूजर। ये तेरे हाथ नहीं आएगी, लगा ले, शर्त लगा ले। तू और तेरा कॉन्फिडेंस। चल ठीक है, अगर मैं हार गया ना तो डिजिटल दुनिया से संन्यास ले लूंगा। सही है। डिजिटल दुनिया से संन्यास? या वो कैसे? इंटरनेट पर मैं कहीं पर भी नहीं दिखूंगा। कूल। कंप्यूटर गेम्स नहीं खेलूंगा। वेरी गुड। सोशल मीडिया से अपनी प्रोफाइल डिलीट कर दूंगा। फैबुलस। ये हुई ना धमाकेदार बात, मजा आएगा। अभी भेजता हूँ उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट। लो आ गई फ्रेंड रिक्वेस्ट। एक्सेप्ट करने की सोचना भी मत, रिजेक्ट कर। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, सोच रहा होगा गलती से रिजेक्ट हो गई। शायद एक्सेप्ट करते हुए रिजेक्ट हो गई। लेट्स ट्राई अगेन। रिजेक्ट कर, रिजेक्ट कर, रिजेक्ट कर। ये मजा आ गया। सही किया, वो इसी के लायक है।
खेल खलास, सामान समेटो, बियर पी, यो, या, बेचारा, जरा इसे तो देख। ऑनलाइन इस लड़की की सारी हिस्ट्री निकाल लूंगा। ए, डिजिटल संन्यास लेने के लिए बोरिया बिस्तर बांध ले, बैकअप है तेरा। तेरी जगह मैं होता ना तो एक्सेप्ट कर लेती पक्का। वो, are you sure? ये आइडिया पक्का काम करेगा? ओके। हाय। आओ ना। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू, सो प्रिटी। तुम्हारी तरह। और ये भी। वेबकैम से ज्यादा सामने से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। स्मेल इट। मेरी बेटी, हमारी बच्ची सुबह से घर वापस नहीं आई सर। एक दोस्त से मिलने गई थी पर अभी तक वापस नहीं आई सर, कुछ कीजिए ना सर। देखिए, 2 महीने में 10 लड़कियां गायब हो चुकी हैं और सारे इंटरनेट केसेस हैं। पांडे FIR लिख ले। ए, तुम दोनों इधर आ। तो शुरू करें? हाँ चलो। उस इयररिंग्स वाले को मैं देती हूँ 6, मेरी तरफ से 9। 1.5 फ्लॉप मूवी की रेटिंग है क्या? अच्छा ठीक है, तो 0.5 ओके। ज्यादा हवा में मत उड़, नीचे आ जा। असल में तो लड़कों में देखती क्या है? What do you want? फिर कभी बताऊंगी। ए, रुक, पहले बता फिर जाना। ओके, कम से कम ये 3 खूबियां तो होनी चाहिए। अब सुनो, 1 मिनट रुक, इसकी वीडियो बना के अपलोड करते हैं। पहली खूबी क्रिएटिविटी, मतलब आर्टिस्ट टाइप। लेकिन कोई कला होनी चाहिए, गिटार, फ्लूट या ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना जानता हो, या फिर मूर्ति बनाना या पेंटिंग, कुछ तो आना ही चाहिए। यस, सो रोमांटिक। ए, चुप रहना। हाँ चल बता आगे, दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? उसे सेंसिटिव होना चाहिए। तू क्या पागल हो गई है? आजकल हम लोगों की ही भावनाएं खत्म हो चुकी हैं, तो लड़के कहाँ से सेंसिटिव मिलेंगे? मिलेंगे, तू चुप कर। तीसरी खूबी, हमेशा मुझे हंसाता रहे। तू क्या हिस्ट्री निकालेगा, लिस्ट सामने आ गई। कैसी लिस्ट है यार, भगवान चाहिए या इंसान? और वैसे भी सच कहूं तो तुझ में एक भी खूबी नहीं है। हाय गाइस। क्या हुआ? फोन पर तो बोल रहे थे कि कुछ सीरियस मामला है। तुम लोग तो यहाँ पर गेम्स खेल रहे हो। या लैड बे, ये क्या है? इसका मामला सीरियस है। अब मुझे बताओ परेशानी क्या है? क्या बताओ, हुआ ये कि फंस गया बेटा तू। बस इतनी सी बात, लड़कियों के होते ही हजारों नखरे हैं, पर तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मेरे पास इस चीज का भी जबरदस्त तोड़ है। अच्छा बोलना। रणबीर से भी बड़ा रॉक स्टार है हमारा दोस्त, इसका एक इमोशनल और एक हंसी मजाक भरा वीडियो भेज देंगे उसे। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। रिजेक्ट, 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 रिजेक्ट। ओबे यार, इसे रिजेक्ट कर दिया। बहुत स्मार्ट बन रहा था, अब सिखाया तूने सही सबक। अब सीन ये है, सैम इस पिल्ले को लात मारेगा और तू इसे उठाकर प्यार से अपनी गोदी में लेकर पुचकारना। ओ ले ले मिले बाबू को क्या हो गया? काम हो गया? सेंसिटिव लड़का, ये ले प्यार से पकड़। चलो अब शॉट के लिए रेडी हो जा। ओके सब लोग, डायलॉग्स रेडी है ना? सैम अच्छे से करना। ओके अब तू पिल्ले को नीचे रख दे। छी, शाबाश सैम, लात मार। अरे चल। यस ओके, अब तू उठा पिल्ले को। बेचारा, अबे अकल नहीं है क्या तुझे? इस बेजुबान को तू लात मार रहा है?
बेचारा मेरा निक्की, हमने इसे कितना गलत समझा। बाहर से कमीना दिखता है पर दिल का बुरा नहीं है। येडी, तुझे दिख नहीं रहा है क्या, पागल बना रहा है वो हमें। ये और इसका छोटा सा पिल्ला देखो तो जरा। कर दे डिलीट। चल बेब्स, हम चलते हैं। या बाय। ओके ठीक है, सिया बाय। चलो यार आज के लिए बहुत हो गया, कल ट्राई मारते हैं। इनफ, तुम लोगों के आइडियाज और वीडियोस सब बकवास है। झूठ बोलकर उसका दिल मुझे नहीं जीतना। क्या बोला, तेरा जमीर जाग गया? ओए 25,000 का खर्चा हो चुका है। मेरे पैसे दो, मैं चलता हूँ। फ्लॉप मूवी बनाता है और पैसा लेगा हमसे। चल अरे चल निकल, ऐसी बात नहीं। चल निकल, चल। तो मैं तो मान ले कि तू शर्त हार गया मेरे यार। मैं उसे वो टैलेंट दिखा रहा था जो मेरे पास है ही नहीं, यही मेरी गलती थी। अब मैं उसे अपना असली टैलेंट दिखाऊंगा। हैं? मुझे तो बता तू कौन सा टैलेंट दिखाने वाला है। तू जाना यार। जाता हूँ। ए चल चल, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये सुधरेगा नहीं। क्या पता ये सुधर ही जाए यार। हाँ हाँ चलना तू। Come on. I'm Nikhil, short name Nikki. And you are? Guess? Rageshwari, है ना? Ragini. तो मैं तुम्हें पसंद हूँ? या? I mean, yeah, yes. पसंद मतलब? पसंद मतलब बस पसंद, पसंद यानी कि फ्रेंड्स की तरह। मैंने कितनी बार तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, फ्रेंड रिक्वेस्ट का मतलब फ्रेंड ही हुआ ना। देखो मैं इतनी जल्दी स्ट्रेंजर्स के साथ कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करती हूँ। ओह मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूँ। ऑलमोस्ट कुछ। ओके ओके, मिलकर दोस्ती की शुरुआत करते हैं। टाइम तुम बताओ, प्लेस मैं बताऊंगा। अच्छा वैसे तुम करते क्या हो? आई प्ले गेम्स, कंप्यूटर गेम्स में मैं एक्सपर्ट हूँ। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो मुझे हरा सके। रिसेंटली 7 days और 168 hours बिना रुके खेला और 20,000 rupees जीते। तो मेरे साथ गेम खेलोगे? वाओ, तुम भी गेम्स खेलती हो? कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हुए लड़की को पहली बार देखूंगा, तुम्हारे साथ डेफिनेटली खेलूंगा। अरे मैं तो पूरा हफ्ता गेम खेल सकता हूँ। तो बताओ कौन सा गेम खेलना चाहोगी? NFS, Guest of War, God of War, Call of Duty, Assassin's Creed, बस नाम बोलो। अभी तक इन पर ही अटके हुए हो तुम। What? नया गेम आ गया और मुझे नहीं पता कौन सा गेम है, बोलो। Me. Excuse me? तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है ना? Yeah. दोस्ती करने के लिए मुझसे मिलना होगा। हाँ बिल्कुल, तुम ये बताओ कब कहाँ? अगर सब कुछ मैंने बता दिया तो गेम कैसा? चलो रियल गेम खेलते हैं। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ढूंढूं? Congratulations, Tubelight, तुमने गेम का लेवल 1 पार कर लिया है। Any clue? क्लू? तुम्हें गेम खेलना आता भी है या फेंक रहे थे? What the? Listen, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, नाम नहीं पता, एड्रेस नहीं पता, कहाँ काम करती हो नहीं पता। अरे कोई तो क्लू देना ही पड़ेगा ना। ओके तो शहर में, शहर के बाहर मेरी कुछ फेवरेट जगह है। अरे बाप रे, क्या क्लू दिया है। रूल सुनो, तुम किसी की भी हेल्प नहीं ले सकते हो। टाइम लिमिट सिर्फ सूरज ढलने तक। अगर रूल तोड़ा
या वक्त रहते पूरा नहीं किया तो तुम हार जाओ। Yes! डैनी डैनी ये निकी है, रैक्स के साथ कोई गेम खेल रहा है, मैंने इसका वेबकैम हैक किया है। निकी बेचारा मुर्गा। गेम डिजाइनर के साथ गेम खेलेगा, चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, असल गोलकीपर तो मैं ही हूं। मुझे इसकी एक एक मिनट की वीडियो चाहिए, मुझे भेजते रहना। ठीक है बॉस, फॉलो हिम। ओके। रियली सीरियसली? हमें रुलाया था ना, अब खुद फंसेगा। गेम का पहला लेवल पार करने के बाद दूसरा लेवल भी तो पार करना पड़ता है ना। इन लड़कियों के दिमाग से ज्यादा हमारी ऑनलाइन गेम सच्ची है यार। एक मेरी बात मान, ये लड़कियों वड़कियों के चक्कर में मत पड़। अच्छा सर, एक नई गेम खेलते हैं। ओह, तो तू खेल रहा है ना? यस। मेरी बात मान, मिल गया। जिंदगी खेल बनकर रह जाएगी। ये लीजिए कॉफी। इसने 2 साल बाद अपनी बाइक निकाली। अंधे हो क्या? I'm sorry. ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है तुम लोगों का। I'm sorry. Please sorry. तुम्हारा बस चले तो लड़कियाँ मंदिर जाना भी छोड़ दें। ऐसे कपड़ों में मंदिर? हाँ, क्योंकि मंदिर पहाड़ पर है, वहाँ सीढ़ियाँ भी नहीं है, साड़ी पहनकर तो पहाड़ नहीं चढ़ सकते। I'm sorry. Sorry हाँ। तुम रॉक क्लाइंबिंग करती हो? Hey. Strange. पहाड़ के ऊपर मंदिर? हाँ? Where is she? Hey! ये क्या? Rock temple. हाँ, क्योंकि मंदिर पहाड़ पर है। डैनी, लगता है उसे कोई क्लू मिल गया है। तो क्या, गेम्स में क्लूज नहीं मिलेंगे तो और क्या मिलेगा? इडियट, पीछा कर उसका। ओके ओके। पता नहीं प्रमोशन के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। ये तो पत्थर है, ये मेरे किस काम का? हरिओम। दांत तोड़ सकते हो या घर बना सकते हो। अहिंसा सबसे बड़ा सिद्धांत है, ऐसा महान गौतम बुद्ध ने कहा है। हरिओम हरिओम। डैनी, हाँ बोल। उसे यहाँ कोई पत्थर मिला है। मैंने तुझे उसे ढूंढने को कहा था और ये तू क्या बता रहा है मुझे? एक काम कर, जिस पहाड़ पर चढ़ा है ना वहाँ से कूदकर जान दे दे। बेवकूफ।
कहाँ है वो? भैया जी मुझे 30 रुपए कम पड़ रहे, फ्राइड राइस खाना है। चाइनीज फ्राइड राइस भैया। भैया वो क्या है ना, हर टाइप की बिरयानी खा खा कर बोर हो गया हूँ, इसलिए चाइनीज फ्राइड राइस खाने का मूड है। भिखारियों की भी क्या चूचले हैं। इसमें तो शेजवान चटनी भी नहीं आएगी। ये लो। हेलो, मेरा भी सिक्का ले लो। ये लो, ये और लो, जाके वड़ा पाव खा लेना। चाइनीज खाना है भिखारी को, नखरा तो देखो। अरे हटो यार, हटो सामने से। हदे यार, हर जगह ट्रैफिक, लोगों को कोई काम नहीं है क्या? टाइम मिला कि घूमने निकल पड़े। छे चाइनीज फ्राइड राइस भैया। वन टॉम यूम सूप। 22 मिनट्स लगेंगे सर। 22 मिनट्स, 21.5 नहीं, 22 मिनट्स लगेंगे। फिक्स है क्या? फाइनल? पक्का इतना ही लगेंगे ना? 22। ठीक है ले आओ। ये क्या है, 22 बोल के 2 मिनट्स में ही ले आया। चलो अपना फ्यूचर पढ़ लेते हैं। किले के अंदर रहस्य, ये तो किसी हॉरर मूवी का नाम लगता है। रैग्स। अरे हटा। सर मैं वारंगल से आया हूँ सर, पर्स चोरी हो गया है, काम भी नहीं है, मदद कीजिए सर। सर कुछ तो मदद कीजिए, खाने के लिए भी कुछ नहीं है मेरे पास। वारंगल से आया हूँ सर, वारंगल से। बीच में सर, वारंगल से आया हूँ, बहुत दूर से। मुझे लगता है कि वो समझा ही नहीं। मिल गई, मेरे साथ गेम खेलेगी। यहाँ पर एक लड़की खड़ी थी, कहाँ चली गई? कौन, काजल या समंथा? क्या लगता है लड़की के चक्कर में दिमाग गर्म हो गया साहब का। ये लीजिए आइसक्रीम खाइए, ठंडी है। बॉस वो आइसक्रीम खा रहा है, चॉकलेट है या बटरस्कॉच है? एक मिनट बॉस, मैं चक्कर बताता हूँ। मैंने तुझे ये देखने नहीं भेजा है कि वो क्या खा रहा है और क्या पी रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसका अगला प्लान क्या है, ये पता लगा बेवकूफ। उसके भेजे में कुछ घुसने वाला है नहीं, कुछ नहीं आता उसे, उल्लू का पट्टा। हेलो, ए सुन, अब तू सीधा वहां जा। ठीक है भैया। ओए सैम ने असासिन क्रीड में तेरा लेवल पार कर लिया है, शर छोड़, वापस आ जा। मैं ये गेम जीत कर ही रहूंगा और बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। वारंगल से आया हूँ सर, वारंगल से आया हूँ सर, मैं सर वारंगल से आया हूँ मैं। डैनी डैनी, वो वारंगल की तरफ जा रहा है। तो ये है तुम्हारा अड्डा। कहा था ना मैं बेस्ट गेमर हूँ,
किले के अंदर रहस्य। क्या ये? मुझे लगा इसमें एड्रेस होगा, लेकिन इसमें तो कविता है। नहीं! ए, मेरे जिंदा रहते वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। ए, रुक! हाय, मुझे लूजर से बात करने का कोई शौक नहीं है। हेलो, मैं बस पहुंच ही गया था, लेकिन वो गेम ओवर लूजर। हे, मेरी बात तो सुनो। असल में वहां पर एक आदमी, मैं कैसे बताऊं तुम्हें सब कुछ। अच्छा, तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम या बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम, एक्स, या फिर कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है?
हाँ है। कौन है वो? एक लूजर जो तुम हो। बाय। ए सुनो। ए अरे यही होता है जब तुम गेम छोड़कर सड़कों पर मंडराते हो। इन लड़कियों को तो जानता है ना तू। ए क्या कह रहा है वो? मेरी बात समझ ही नहीं रही है। कुछ तो राज छुपा है इस सब के पीछे। ए वो तेरी तरह उसके साथ भी गेम खेल रही होगी। क्या पता। अरे यार एक बंदा उसके पीछे पड़ा है, उसके साथ और तीन बंदे थे। लगता है वो खतरे में है। टैंक फुल कर दे भाई। सर सर मैं वारंगल से आया हूँ सर, मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, मेरे पास काम भी नहीं है सर, मैं वारंगल से आया। ए कौन है बे तू? कौन है बोल? सर उस दिन भी तूने मुझे रास्ते में रोका था ना? सर नहीं पता कुछ भी। सच सच बता, रैक्स कहाँ है? सर मुझे कुछ नहीं पता सच में। कहाँ है वो बताओ? बताओ नहीं तो मार डालूंगा। सर सर मुझे एड्रेस तो नहीं पता, पर एक जगह वो रोज आती है। जगह का नाम बता। वो चोर है, आइसक्रीम वाला है ना, वहाँ रोज आती है सर वो। तू ऐसे नहीं मानने वाला, चल। चलो अब सीधा उठा लेते हैं उसे। आज आने में देर हो गई मैडम, मैंने सोचा आज आप नहीं आएंगी। ऐसा हो सकता है कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूं? चल डैनी छोड़ो। गाड़ी घुमा, जल्दी कर, इस बार नहीं बचनी चाहिए। निकी। हाँ घुमा घुमा, जल्दी करना। हाँ घुमा रहा हूँ। निकी। रिलैक्स। अरे क्या कर रहा, जल्दी कर। घुमा ना। तुझे क्या लगता है इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी वो जिंदा होगी? हाँ मुझे पूरा यकीन है, अगर वो जिंदा ना होती तो अब तक ये न्यूज़ बन चुकी होती। एक्सीडेंट इस जगह हुआ था। क्या हुआ, किसी तरह की कोई परेशानी है क्या? यहाँ से 3 किलोमीटर के दायरे में। अरे मेरी बात तो सुनो। 3 इमरजेंसी हॉस्पिटल्स हैं। हाँ? लेट्स गो। सुनिए मुझे काटने के अलावा कोई काम नहीं है ना। तुम्हारी मुझे भी काट दो। बस कीजिए, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। पहले हमारा बेटा पूरा दिन घर में रहता था, अब बाहर ही रहता है। जब घर में रहता था तो सारे दिन बाहर जाओ की रट लगाती थी, अब बाहर जाता है तो कहती हूँ घर में नहीं रहता, घर में नहीं रहता। आखिर तुम चाहती क्या हो? ये बात नहीं है। फिर कौन सी बात है? एक्सक्यूज मी, कल रात एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसे यहाँ लाया गया था। एक्सीडेंट? कल तो ऐसा कोई केस नहीं आया, और वैसे भी हम पेशेंट की डिटेल्स नहीं देते। थैंक यू मैम। ओके। एक्सक्यूज मी, कल रैक्स नाम की किसी लड़की को एडमिट किया गया था। नहीं नहीं सॉरी, डिटेल्स हम लोग किसी को भी नहीं दे सकते, सॉरी। सिस्टर कल एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या यहाँ किसी लड़की को एडमिट किया गया है? आप कौन हैं? पेशेंट की क्या लगते हैं? ऐसे ही जानकारी नहीं दी जाती। इस पूरे शहर में लगभग 2000 हॉस्पिटल्स हैं। हेलो, सारे हॉस्पिटल्स घुमाएगा? इससे मरना बेहतर है, मैं कूद जाता हूं। अरे नाटक बंद कर यार, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। तो क्या तू कूदेगा? मैंने उन सारे हॉस्पिटल्स के कंप्यूटर्स हैक कर लिए हैं और कल एडमिट हुए पेशेंट्स की लिस्ट निकाल ली। तो क्या मैं इनको बैठ के लाइक करूं? पहले सुन तो, ये देख कल रात कुल मिलाकर 18 एक्सीडेंट केसेस आए हैं इन सभी हॉस्पिटल्स में, और इनमें से
जो पेशेंट्स आर अक्षर से शुरू होने वाले हैं वो सात हैं। उनमें से चार लेडीज हैं, जिनमें से एक की उम्र है 53 इयर्स, दूसरी औरत 41 इयर्स, तीसरी वाली एक बच्ची है 10 साल की। तो ये रैग्स नहीं हो सकती। तो हमारे पास बची है लास्ट वन, रागेश्वरी 22 इयर्स। रागेश्वरी 22 इयर्स, फर्स्ट फ्लोर आईसीयू। डॉक्टर, अंदर जो पेशेंट है उसे काफी चोट आई है, शी इज आउट ऑफ डेंजर। पर क्या मैम? उनकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, 5 लाख का खर्चा आएगा। अगर प्लास्टिक चोर बाजार से ले आए तो सर्जरी भी किसी चोर से करा लेना फिर। मान गई है। चल अंदर। सब मेरी वजह से, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर टाइम पे बता देता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अब मैं आ गया हूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम उदास मत होना। अरे ये वो फोटो देख वहां, चल 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 भाग, चल चल उठने दे तू, ये कौन आ गया बीच में, यहां आना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। हाय रितु, हाउ आर यू? हु इज दिस? हां, अब तुम जैसी खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की मुझे कहां याद रखेगी। ओह वेट, तुम ही ने मेरी फ्रेंड को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी ना? हां मैंने भेजी, क्योंकि तुम्हें रिक्वेस्ट भेजने की हिम्मत नहीं हुई। आहा, आई जस्ट वांटेड टू बी योर फ्रेंड। व्हाई? मैं एक बात बताऊं तुम्हें? हाँ बोलो। मिलकर ही बताऊंगा, अब इतने दिन इंतजार किया है, ऑनलाइन ही बता दूं? नहीं नहीं। ओके, कल मिलते हैं, बाय। सी यू। बाय। तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी दोस्त को फंसाना पड़ा, तुम कब मेरी दोस्त बनोगी जाने मन। सर, सर एक लड़की किडनैप हो गई है सर। अरे इधर आ, इधर आ, साहब सो रहे, इधर आ, बैठ इधर, चल। कौन है वो? दोस्त है सर। नाम? रैग्स। पहले जाकर उसके माँ बाप को बुला लाओ, एफआईआर फिर लिखेंगे। मैं किसी को जानता नहीं हूँ सर। किसी को नहीं जानते, फिर दोस्ती कैसे कर ली? कहीं इंटरनेट वाली दोस्ती तो नहीं है तुम्हारी? सर, हमारी बच्ची के बारे में कुछ पता चला क्या सर? अभी जाओ, मिल जाएगी तो बता देंगे। सर, नाक में दम कर दिया इन्होंने, इंटरनेट पे दोस्ती करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, और परेशानी हमारी जान को। क्या बात है अंकल? लोगों ने हमसे हमारी बेटी को छीन लिया। इंटरनेट पर बातें करके किसी ने उसे किडनैप कर लिया। मेरी बेटी। इसके प्रोफाइल में तो कोई डिटेल नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा स्कैम है भाई। शिराली की किसी दोस्त को जानते हैं आप? उसकी एक दोस्त है तानिया, जो अक्सर घर पर आया करती थी। हाय। हाय। स्कूल बदलने से पहले शिराली और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे, और उसके बाद कभी कभी हमारी फोन पर बात होती थी। उसने बताया था उसे एक लड़का मिला है ऑनलाइन, लास्ट वीक वो उससे मिलने वाली थी, इसलिए बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ही। और उसने कहा था कि अच्छा, शिराली ने उस लड़के के बारे में कुछ बताया, उसका नाम वगैरह? नो, बट वो उसे बेबी डॉल्स गिफ्ट में देता था, बताया था उसने। ये देखो, क्या ये वही डॉल है? हाँ, यस। डॉल पर तो कोई एड्रेस नहीं, ये डॉल शॉप पे जाकर ही पता चलेगा। थैंक यू, बाय। यहाँ से किसी ने बल्ब में ऐसी डॉल्स खरीदी हैं? सर, ये रिटेल शॉप है, यहाँ एक या दो ही मिलती है। अच्छा, तो तुम कहाँ से खरीदते हो? अरे आप कौन है सर, क्यों मेरा धंधा चौपट करने पे लगे हैं? जाइए यहाँ से, जाइए। बता नहीं तो तुझे भी डॉल बना दूंगा। अच्छा अच्छा, बताता हूँ, एक बेबी डॉल का कारखाना है, वही एक्सपोर्ट करते हैं सर, और मैं उन्हीं से माल खरीदता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। हाय, आज की नीलामी शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रेजेंटेशन। आजकल के लोग अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं करते,
पर ऑनलाइन लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं। हर छोटी से छोटी चीज ऑनलाइन शेयर करना फैशन बनता जा रहा है। अब किसी को फंसाने के लिए हथियार या गुंडे बदमाशों की जरूरत नहीं, बस भरोसा ही काफी है। भरोसा सबसे खतरनाक हथियार है। उसके बाद हम पर छोड़ दीजिए, हम पहले मीटिंग फिक्स करेंगे, फिर कार में बैठाकर उन्हें वेयरहाउस तक पहुंचाएंगे, फिर हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट पर नीलामी शुरू होगी, फिर हमारे खुफिया रास्तों के जरिए हम 48 घंटों के अंदर अंदर माल पहुंचाएंगे सीधा आपके घर। बेबी डॉल फैक्ट्री, सेफ, स्मूथ एंड सिक्योर। रुक 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 रुक, यहाँ डॉल फैक्ट्री कहाँ है? यहाँ आगे से राइट लेना। ओके, थैंक यू। मैंने कहा था ना डोज थोड़ा कम रखना। वो चीखे चिल्लाए खरीदारों को दिखना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए, समझा कि नहीं? कल सुबह 9:30 बजे वाइजैग जाने वाली शिप में लोड करवाना इन्हें। बॉस फालतू में सिरदर्दी ले रहे, एक बार फोन करके फिर से कंफर्म करता हूँ। वॉचमैन, अरे बहुत जरूरी काम है, गेट खोलो। कोई है? अरे कोई है, जल्दी खोलो। अरे चलो चलो गेट खोलो जल्दी, चलो अर्जेंट काम है, गेट खोलो यार। अरे गेट खोल। अरे चिल्ला क्यों रहे हो, गेट खोलो ना। अरे गेट खोल ना। अरे भाई मेरी अपॉइंटमेंट है अंदर। अबे खोल। शिट, ये पागल वागल लगता है। ये ऐसे नहीं मानेगा। अबे रुक, तू इधर आ, चाबी चाबी निकाल, पकड़ पकड़ इसको, टांगे पकड़ इसकी, कस के पकड़, वहां लेके चल, फेंक अंदर इसे। सब काम अच्छे से होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डिलीवरी स्पॉट रोड नंबर 31। अच्छा, मीनार के पीछे वाली गली, समझ गया ना? ओके, हाँ ठीक है, डोंट वरी। हाय, आई एम निखिल। हाय, मुझे बल्क में डॉल्स खरीदनी थी। असल में हम NRI हैं, US में हमारा डॉल्स का बड़ा बिजनेस है। ये अंदर कैसे घुसा है? डॉल्स बिजनेस करने वाली तो शक्लें दिख नहीं रही इनकी। बॉस मुझे दूसरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर देगा अगर उसने मुझे इनके साथ देख लिया तो। ए, तू यहाँ पे बिजनेस करने आया कचरा उठाने के लिए आया? स्टॉप, क्या चल रहा है यहाँ पे? जल्दी बता नहीं तो मार डालूंगा। मुझे कुछ नहीं पता। ये तो वही लड़की है। रितु की फोटो यहाँ कैसे आ गई? रैक्स कहाँ है? रैक्स कहाँ है? कौन है तुम? शिराली के साथ तुमने क्या किया? रितु कहाँ है? डैनी कौन है? कौन डैनी? मुझे नहीं पता। बता कौन है डैनी? तुम्हें डैनी चाहिए? ये लो, रख लो। From Danny with love. तू कौन है? डैनी का चमचा? डैनी कहाँ है? डैनी आज के बाद किसी को नहीं मिलेगा। जान प्यारी है कि नहीं तुझे? Relax. तुम्हें डैनी तक पहुंचाता हूँ। वेलकम। ए, तू यहीं पर रहना और जरा सावधान रहना। I'll be back. अपना ध्यान रखना। कौन है तू? डैनी का चमचा है क्या? और ये बता यहाँ पर चल क्या रहा है? कहाँ लेके जा रहा है मुझे? ये फैक्ट्री है या कोई तहखाना है? रैक्स कहाँ है बता? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, दर्द का एहसास तो अब होगा लवा बॉय। अरे
रैग्स चाहिए बेटा तुझे? रैग्स? तू कहां से बीच में आ गया रे? तुझे क्या काम है उससे? देख, मेरा तो धंधा चल रहा है, मेरे खरीदार इंतजार कर रहे होंगे, रात को जरूरी माल भेजना है, पर तुझे क्या चाहिए? ओ, लव है, लव भी तो एक धंधा ही है। हेलो सर, ट्रक आ चुकी है सर, हमें निकलना होगा, ऑलरेडी 2 मिस कॉल्स आ चुकी हैं। यहां अंदर गैस छोड़ दे। ओके सर। ए, कौन है बता? जय 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 जय। जय, are you okay? चल, जय, चल यहाँ से, चल, यहाँ कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, यहाँ रहेंगे तो बचेंगे नहीं, चल। अरे जय, रुकना। मेरी बात मान यार, चल यहाँ से। स्कैम के बारे में जानते हुए हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं यार? जान की परवाह है कि नहीं तुझे? और जो लड़कियाँ गायब हो रही हैं उनकी जान की कोई परवाह नहीं है क्या? अरे तू ज्यादा सोच मत यार, चल यहाँ से निकल। रोड नंबर 31 मीनार के पीछे वाली गली में आज डिलीवरी होने वाली है, हम वहाँ पहुँच कर उसका पर्दाफाश कर सकते हैं, हम उन्हें रोक सकते हैं। ए जय, ए रुकना, ए, अरे मेरी बात तो सुन यार। जय, मैं नहीं रुक रहा। जय प्लीज यार, ए चल, बस आखिरी बार मेरी बात सुन ले, रैक्स को बचाने के लिए मुझे तेरी जरूरत है, प्लीज जय। सिर्फ हम दोनों मिलकर क्या कर लेंगे? ऑनलाइन मेरे 1844 फ्रेंड्स हैं, तो रुक, अभी उन सबको मैसेज भेजता हूं, अगर 25 ने भी साथ दिया ना तो हम उसे पकड़ सकते हैं। एक लड़की हाथ नहीं आई। डोंट वरी सर, अगले असाइनमेंट में डाल देंगे उसे। ये क्या, तू अकेला ही आया, और कोई नहीं आ रहा है ना? पीछे गाड़ी में बारात आ रही है। अरे अगर आते तो दिखते नहीं, मैं अकेला आया हूँ, बिल्कुल अकेला। मैंने तो सभी को मैसेज भेजा था। ये देखिए 1844 फ्रेंड्स। जब कभी मुसीबत में होगा ना, इनमें से कोई मदद करने नहीं आएगा तेरी। तुम दोनों ही मेरे सच्चे दोस्त हो यार। ए, तू अपनी इमोशनल नौटंकी बंद कर यार। ओके ओके फाइन, हम तीनों ही काफी हैं,
पक्का यही वो जगह है। तो सुनो अब मेरा प्लान। हेलो, काउंटर स्ट्राइक है क्या? दूसरी लाइफ पाने के लिए चीट कोड मिल जाएगा? रियल लाइफ है, उनके पास असली बंदूकें होंगी। लड़ने के लिए बंदूकों की जरूरत नहीं होती, गट्स। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम दोनों यही कार में रुको, मैं सड़क के उस पार रहूंगा। और हाँ, अपने फोन ऑन रखना। मुझे देखते ही पहचान जाएगा वो। कोई टी शर्ट है क्या? ये ले। तूने तो बोला था वो खतरनाक है, मतलब हम बचेंगे नहीं। उसकी ताकत उसका प्लान है, पर उसे हमारा प्लान नहीं पता। हमारी ताकत है उस पर अचानक से हमला करना, बिल्कुल कॉल ऑन ड्यूटी की तरह। उसे पता भी नहीं चलेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। ओके ओके सर, ये आ गया हमारा डिलीवरी स्पॉट। वॉच आउट, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो उसे, जल्दी पकड़ो। चल चल चल, मुझे कुछ नहीं पता। क्या धंधा लगता है? क्या धंधा है क्या? मुझे क्या बिजनेस करेगा, क्या डिलीवरी करेगा तू? ए निकी, रातों रात फेमस हो गए हम। देख, फ्रंट पेज पर फोटो छपी है हमारी। अगर रैग्स उसके पास नहीं थी तो कहाँ है वो? ए, अब वो सारी लड़कियां कैसी हैं? बाकी सब तो ठीक है, पर रितु अभी भी कोमा में है। उसके पेरेंट्स का पता नहीं चला। पुलिस कल रात से उनको ढूंढ रही है, लेकिन कोई भी खबर नहीं उनकी। फेसबुक पर उसके दोस्तों से कांटेक्ट करके शायद कुछ पता चल जाए। व्हाट, रितु निशी फ्रेंड्स है? निशी का प्रोफाइल चेक करते हैं। ओह शिट, रैग्स भी इनकी दोस्त है। हे, निशा का एड्रेस और फोन नंबर मिल गया है। रुक, उसे फोन करके देखता हूं। नहीं उठाया। उसका एड्रेस है ना, डायरेक्ट उसके घर चलते हैं। चल। फोन आया ना? हाँ, वो तो आना ही था। सच पता चलेगा ना, मर जाएगा। तुम वहां पहुंचो, मैं भी आता हूं। या ए, वो देख निशी, उसका पीछा करें। लेट्स गो। लेट्स फॉलो हर। हाय स्वीटी। हाय। डॉक्यूमेंट्स ले आई सर। व्हाट, ये दोनों साथ हैं? ओ माय गॉड, चल पकड़ो उन्हें। ओ नो। ए, तू उसके पीछे जा। ए, कहां जा रहा है तू? हां रुक, अबे रुक। ए, हंस क्या रहा है तू? क्या किया रैक्स के साथ तूने? बोल रैक्स कहाँ है? अगर रैक्स को कुछ हुआ तो तुझे मार डालूंगा। डॉल फैक्ट्री में क्या चल रहा है? निशी के साथ तेरा क्या रिश्ता है? स्कैम करेगा तू? चल रैक्स के पास लेकर चल मुझे। चुप कर, अपना मुंह बंद कर। हेलो यार निकी, वो तो घर के अंदर चली गई। क्या? हाउस नंबर 26, रोड नंबर 18, जुबली हिल्स। तू अंदर जा,
मैं भी आ रहा हूं। अभी एक लड़की अंदर आई थी। अंदर है, आ जाओ बेटा आओ। उतर नीचे चल, आज तेरा खेल खत्म। आओ अंदर आओ अंदर आओ। वो मेरी बहन की बेटी है, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं उसकी शादी करवाना चाहता था, अगर उसने मेरे काम में टांग ना अड़ाई होती, अपने काम से काम रखती, तो आज कहानी कुछ और ही होती। भाग गई थी तो बाल पकड़कर घसीट कर उसे ले आया था। हमने उसे वहीं पर दफना दिया, तो मैं भी वहीं ले जाकर दफनाऊंगा। नहीं, 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 मुझे करने दो ये प्लीज। पर उसे देखने के लिए तुम्हारी आंखें। देर कहां लगा दी? कम ऑन रैक्स, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हाय निकी। रैक्स चलो। आओ बेटा। हाय ब्रो, वेलकम। कम ऑन चलो। 22 मिनट सर। डैनी उसे कोई क्लू मिला है सर? वरंगल से आया हूं सर। चाइनीज फ्राइड राइस भैया। आइसक्रीम तो खा लो सर। आओ बेटा आओ। इलेवेंथ नेशनल गेमिंग कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। इस साल 226 एंट्रीज आई थी।
शॉर्टलिस्टेड एंट्रीज में से विजेता को चुनना हमारे लिए आसान नहीं था। कंप्यूटर गेमिंग का मतलब वायलेंस, खून, मारकाट, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया है। और जो इंसान घंटों इसे खेलने का आदी हो जाए, उसके दिमाग पर इसका क्या असर होगा, हम सोच भी नहीं सकते। इस तरह के माहौल में हमारा यूथ भावनाएं, एहसास, संस्कार, माता पिता की इज्जत और यहां तक कि इंसानियत भी पूरी तरह भूल चुका है। तो अब मैं विजेता घोषित करता हूं। विजेता है लॉग इन टू लाइफ, गेम डिजाइन्ड बाय रागा मालिका। कंग्रेचुलेशंस, ये लीजिए। अगर आप दो शब्द कहें तो गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, थैंक्स टू जूरी जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना। फ्रेंड्स ने भी मेरी बहुत मदद की और मेरे कॉलीग्स ने भी, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया ताकि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकूं। थैंक यू। एक्चुअली ये अवार्ड लेते हुए मुझे जरा भी खुशी नहीं हो रही। हमारी जनरेशन कितनी अजीब है ना, फुटबॉल जैसे हमें ग्राउंड में खेलना चाहिए उसे हम स्क्रीन पर खेलते हैं। हम अपनी खुशियों को, अपने दुख को परिवार के साथ बांटने के बजाय अपने दुख को पूरी दुनिया के सामने ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं। इसीलिए मैंने ह्यूमन इमोशंस को जताने के लिए ये गेम क्रिएट किया है। जब मैं सोच रही थी कि मैं इस आइडिया को गेम का रूप कैसे दूं, तभी ऑनलाइन निकी से मेरी मुलाकात हुई। गेम ही उसकी दुनिया थी और गैजेट्स उसकी जिंदगी। वो बहुत ही इनसेंसिटिव, इरेस्पॉन्सिबल और एरोगेंट था। इसीलिए मैंने इस गेम के जरिए उसके इमोशंस को बाहर लाने का फैसला किया। I play games. Computer games में मैं expert हूँ। तो मेरे साथ गेम खेलोगे? तुम्हारे साथ definitely खेलूंगा। उसके बाद धीरे धीरे उसे पता भी नहीं चला कब मैंने उसे अपने गेम का हिस्सा बना लिया। दिन रात गेम्स में उलझा रहने वाला निकी पहली बार किसी लड़की की तलाश में अपने घर से बाहर निकला। मैं ये गेम जीत कर ही रहूंगा। मैंने उसके ओवर कॉन्फिडेंस को चुनौती दी ये कहकर कि वो मुझे ढूंढ नहीं सकता। उसे बुरा लगा और उसने जिद पकड़ ली कि वो मुझे ढूंढ कर ही रहेगा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं खतरे में हूँ और वो हर हाल में मुझे बचाने की कोशिश में लग गया। उसकी ये तमाम कोशिशें और उसकी मुझसे मिलने की ये तड़प देखकर धीरे धीरे मेरा दिल भी पिघलने लगा। वो मेरी खातिर अपनी जान देने तक को तैयार हो गया। निकी ने यह साबित कर दिखाया कि दिल होना और उसके अंदर एहसास होने में बहुत फर्क होता है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ सहा। जब मैंने अपने लिए उसके मन में चाहत और गुस्सा देखा तो लगा सब रोक दूं। और उसी वक्त उसे अपनी बाहों में भर लूं। पर जंग बिना खून खराबे के और गेम बिना खतरों के हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा एम बड़ा था। इसीलिए एक तरफ मैंने उसे दर्द की आखिरी सीमा तक ले जाने का सोचा और दूसरी तरफ मैं अपने सभी दोस्तों को सोशल मीडिया के इस चंगुल से मैं निकी को असल जिंदगी के मायने समझाना चाहती थी, पर उसने मुझे जिंदगी के एक और पहलू प्यार का एहसास करवाया। मैंने इस प्यार को अपने अंदर छुपा कर रखा और सोचती रही कि एक दिन वो मुझे जरूर माफ करेगा, लेकिन मन में ये डर भी था कि अगर माफ नहीं किया तो। ये सोच सोच कर मैं बहुत रोई भी। निकी मुझे माफ कर दो प्लीज। निकी प्लीज, निकी Thank you.
एक मिनट रुकिए, बहुत से लोगों ने अब तक तो अपने सेल फोन्स ऑन भी कर लिए होंगे। प्लीज सिर्फ आज के लिए अपने फोन्स को अंदर रख दीजिए और अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ मिलकर ये पिक्चर देखिए। बिना किसी हिचक के उनका हाथ थामिए और महसूस कीजिए उस खूबसूरत एहसास को जो आपको उनके हाथ पकड़ने से होगा। क्या आपको ये एहसास अपने फोन, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया पर कहीं मिलेगा? जरा सोचिए कि टेक्नोलॉजी आप पर हावी हो रही है या आप सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए जिंदगी।